हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फटाफट बनने वाली रेसिपी लाई हूँ, चिकन मोगलाई ग्रेवी, जो आप बहुत ही कम टाइम में से बना सकते हो। कोई मेहमान आए और आपके पास टाइम ना हो बनाने के लिए तो आप ये ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि कितने जल्दी बन जाती है ये। तो चलिए बनाते हैं। मैं आपको पहले बताती हूँ इंग्रीडियंट्स। तो एक किलो चिकन जो मैंने साफ करके धो के रखी हूँ, तेल 4 से 5 चम्मच जिसमें कांदा तला हुआ है वही मैंने तेल लिया है, हरा धनिया कटा हुआ, 6 बड़े साइज में टमाटर, कांदा 4 से 5 तला हुआ, 4 हरी मिर्च, तेज पत्ता, नमक स्वाद अनुसार, मिर्च पाउडर 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, चिकन मसाला 1 चम्मच, चिकन मोगलाई मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, दही 100 ग्राम, टमाटर को मैंने पीस ली हूँ, कांदा भी मैंने पीस लिया है। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चिकन, पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे पूरा, अब डाल देंगे हम कांदा पिसा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, आप स्वाद अनुसार नमक यूज करना, चिकन ग्रेवी मसाला 2 चम्मच, मैंने पहले 1 कहा था पर मैंने और 1 डाल दिया उसमें, चिकन मोगलाई मसाला 2 चम्मच, छोटे चम्मच से मैंने 2 लिया है, बड़े चम्मच से आप 1 ले सकते हो, धनिया पाउडर 2 चम्मच, मैंने 2 छोटे चम्मच से लिए इसलिए मैंने 2 चम्मच डाला है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, दही 100 ग्राम, तेज पत्ता और हरी मिर्च भी डाल देंगे इसमें, अब डाल देंगे ऑयल, ऑयल मैंने 4 बड़े चम्मच लिए हैं, कटा हुआ हरा धनिया, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले चिकन पे लग जाए। अब इसमें हम डालेंगे रेड फूड कलर ताकि हमारे ग्रेवी का कलर अच्छे से आ जाए रेड, तो इसीलिए हम ये यूज करेंगे। चाहो तो आप यूज भी कर सकते हो या फिर नहीं भी, पर यूज भी करेंगे तो अच्छा ही है। सारे मसाले डालना हो चुका है, अब मैं इसे ढक लूंगी। अब इसे 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे, 2 सीटी होने तक इसे हाई फ्लेम पे ही रखना है। Thank you.
दो सीटी होने के बाद फ्लेम हम थोड़ा सा धीमा कर देंगे, ताकि और एक सीटी होने के बाद फ्लेम बंद कर देना है हमें। अभी चिकन ग्रेवी हमारा हो चुका है बनके, तो अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। तो चलिए खोल के देखते हैं कैसा बना है हमारा चिकन मुगलाई। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा पक रहा है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसे। आप इसे ज़रूर घर पे बनाना, और आपके घर पे जब मेहमान आए हो और आपके पास टाइम ना हो, तो आप इसे ज़रूर बना के देखना कि आपका टाइम कितना बच जाता है इसमें, और आप कितने जल्दी अच्छे से अच्छी डिश बना सकते हो। आपको ये मेरा चिकन मुगलाई कैसे लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।